हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम टू मोर लेसन्स चैनल। मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी और मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपके मैक्सिमम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपसे बार बार ये गलतियाँ होती ही होती हैं हर एग्ज़ाम में। तो बस इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। देखिए, जैसे पहला आपका क्वेश्चन है कि इन ए नॉमिनल, इन ए कम्बाइंड फुटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्बाइंड फुटिंग, कम्बाइंड फुटिंग क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पढ़ने का तरीका, कैसे पढ़ा जाता है आपको क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं। जैसे कि कम्बाइंड फुटिंग की बात आ गई, तो कम्बाइंड फुटिंग कहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है, जहाँ पर आपके अनइक्वल लोड, यहाँ पर आपका W1 एंड W2 दो अनइक्वल लोड लगते हैं, वहाँ पर आप क्या प्रोवाइड कराते हैं, कम्बाइंड फुटिंग करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। एंड जो कम्बाइंड फुटिंग होगा उसका जो आप सेप की बात करेंगे ना, वो किस सेप से होगा, उसका जो सेप होगा वो आपका ट्रेपेजॉइडल सेप होगा। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि उसका सेप कैसे होगा, उसका सेप आपका ट्रेपेजॉइडल होगा। यहाँ से आप देखिए, दो तीन क्वेश्चन तो आपके क्लियर हो गए। अभी हम मेन क्वेश्चन पे पहुँचे ही नहीं हैं, जो पूछना चाह रहा है, शियर स्ट्रेस एक्सीड 5 kg/cm², देन नॉमिनल स्ट्रेस प्रोवाइडेड। शियर स्ट्रेस आपका जो है, यहाँ पर देखिए, जो आपका शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 5 kg/cm² एंड देन इसमें क्या होगा, 12 लेग ड्रॉप प्रोवाइड करवाएंगे। एंड जब आपका शियर स्ट्रेस लेस देन 5 kg/cm² होगा, देन आप 8 लेग प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये है क्या, ये लेग्ड क्या बातें कर रहा हूँ मैं, ये भी आपको बताऊँगा मैं आपको। देखिए, ये आपका एक्चुअली जो लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट होते हैं ना, ये लेटर सपोज आप एक लॉन्गिट्यूडनल, दो, तीन, चार, तीन चारों को आपस में बांधने के लिए, चूँकि बकलिंग ना हो, इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, एक टाई बार प्रोवाइड कराते हैं, उसी को आप स्ट्रप बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 12 लेग आपको प्रोवाइड करवाना है, तब आप कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, यहाँ पर 12 लेग ये देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पहले आप कॉर्नर पे प्रोवाइड करवा दीजिए एंड जब आपका रेक्टेंगुलर होगा तो आप कुछ उसमें ऐसे प्रोवाइड करवाएंगे कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप कुछ इनको ऐसे ही बांध दीजिए एंड आप ये कुछ आपका ये 12 लेग होगा। एंड अब आपसे ये बोल दे कि 8 लेग बनाना है, तो 8 लेग कैसे बनाएंगे आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताया हूँ कि आप करिए क्या, ये साइड में चार रेनफोर्समेंट सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे, फिर इसके बाद ये सबकी डाया क्या होगी, सभी की डाया आपकी सेम होगी। जब आपके फोर लॉन्गिट्यूडनल हो गए, फोर आपको और प्रोवाइड करवाने थे, तो आपके पास दो ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4 आप इस तरह से भी प्रोवाइड करवा सकते थे, या भी इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। एंड दूसरा जो है, आप कुछ देखिएगा, आप बताइएगा कि सही कौन सा है। एक ये आपका हो गया, दूसरा मेथड एक इस तरह से प्रोवाइड करवा सकते हैं, इस तरह से प्रोवाइड करवा सकते हैं, और कोई चांसेस हैं कि ये दोनों रेनफोर्समेंट को यहाँ ला के लगा के सेट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर इसको ऐसे ही आप बनाइए, और तीसरा और एक बना दे रहा हूँ मैं, ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब तीनों पॉसिबिलिटी में जो सबसे अच्छा माना जाता है या सबसे अच्छी स्ट्रिंग देता है वो कौन सा है, ये भी चेक कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखें, जो सबसे, अब इसको क्या करिए आप, कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए,
तो यहाँ पर आप देखें इन चारों में से या इन तीनों में से सबसे अच्छी अगर स्ट्रेंथ की बात किया जाए कि सबसे अच्छी स्ट्रेंथ किसकी आएगी, तो सबसे अच्छी जो स्ट्रेंथ आएगी वो ये प्रोवाइड करवाएगा। इसलिए जब एक बार हो तो आप ये वाला सेक्शन कुछ ऐसे ही उसको प्रोवाइड करवाइएगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका 12 लेग सही होगा, यहाँ पर एक सीड लिखा हुआ है। तो पूरा क्वेश्चन आप ये सारा कुछ समझ गए होंगे। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर विद हेलिकल रेनफोर्समेंट, क्या है विद हेलिकल रेनफोर्समेंट टू दोज हैविंग लेटरल टाई, दोज हैविंग लेटरल टाई। लेटरल टाइज प्रोवाइड करवाई जाती हैं और जो मेन बार है वो लॉन्गिट्यूडनल प्रोवाइड कराया जाता है। देखिए ये मेन बार हो गई, ये तो लॉन्गिट्यूडनल हो गई, जो आपकी मेन बार है लॉन्गिट्यूडनल हो गई। एंड आपका जो ये लेटरल टाई आप इस तरह से प्रोवाइड करवाते हैं, ये आपकी लेटरल टाई हो गई। लेटरल मीन्स लेटी हुई एंड लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लंबी वाली डायरेक्शन पे। तो आप ये तीनों बातें समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो आपका ये लेटर सपोज हेलिकल था, तो आप इसको आप कॉलम को ऐसे ही रहने दीजिए एंड हेलिकल की बनाए हेलिकल बनाएंगे तो वो आपका हेलिकल कुछ स्पाइरल शेप का कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको फर्स्ट क्लास में पहले दिन ही पहले क्वेश्चन में बताया था इन दोनों की अगर को लोड कंपेयर करेंगे देन आपका इसमें जो लोड होगा इसकी लोड का 5% क्या होगा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही होगा, 1.05 आपका आंसर सही होगा। ओके, तो यहाँ पर आप दोनों का रेशियो देखेंगे तो 5% उसका एक्स्ट्रा निकल के आएगा। इन केस ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ पिन इंडेड कॉलम, इन केस ऑफ पिन इंडेड कॉलम द क्रिटिकल लोड, द क्रिटिकल लोड एक्स टाइम दैट आइलर लोड वेयर एक्स इज, देखिए यहाँ पर पी सी आर पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम एंड एल इफेक्टिव स्क्वायर होगा। ये आपका आइलर का फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये करता क्या है, कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि आपका जो ये प्रेशर है या आपका जो फोर्स है ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर आपका क्या है पिन इंडेड कॉलम है, दोनों तरफ क्या है सॉरी दोनों तरफ आपका पिन इंडेड कॉलम है, यहाँ पर दोनों तरफ आपका पिन इंडेड कॉलम है। देन आपका ये जो एल इफेक्टिव होगा वो आपका एल के बराबर होगा। देन आप रखेंगे पी सी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन, तो यहाँ पर वन जो ऑप्शन है वो सही है। देखिए यहाँ से अब कैसे क्वेश्चन और डिज़ाइन हो सकते हैं, यहाँ पर जो और क्वेश्चन है वो कैसे और कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर आपसे ये बोला जा सकता था व्हेन बोथ एंड आर फिक्स्ड देन देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो एल इफेक्टिव बनता, एल इफेक्टिव आपका जो बनेगा वो आपका एल बाई टू होगा। एंड यहाँ पर फिर से देखिए वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज, यहाँ पर कुछ इस तरह से कंडीशन बनती है। देन आप ये देखेंगे कि आपका जो वो कुछ इस शेप का बनेगा तो एल इज़क्वल टू रूट बाई रूट टू, एल रूट टू आप एल बाई रूट टू आपका होगा। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है आप पुट कर दीजिएगा, यहाँ पर एल इफेक्टिव बाई एल एल इफेक्टिव पुट कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये समझ गए होंगे इन केस ऑफ द पिन इंडेड, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और कभी कभी इन दोनों का रेशियो पूछ लेगा, कभी कभी इनका रेशियो पूछ लेगा, कभी इनका रेशियो पूछ लेगा, तो आप प्रिपेयर रहिएगा। और यहाँ पर जो गलतियाँ होंगी वो आप ये आपसे गलती होगी एल इफेक्टिव और यह रूट आप इसका ऊपर ले जाना भूल जाएंगे या कुछ ऐसा होगा, तो उससे आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर कितनी होंगी लॉन्गिट्यूडनल बार की, जिसको मेन बार भी बोलते हैं, टू बी प्रोवाइडेड इन द कॉलम ऑफ द डायमीटर ऑफ द डायमीटर। देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं बताया कि आपका कॉलम जो है वो सर्कुलर है, कि आपका कॉलम जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, यहाँ पर ये नहीं बताया गया। तो उससे आप ये समझ लीजिए कि
कि हो ये रहा है कि जब ये बताया ही नहीं गया तो आपको पता कैसे चलेगा। एग्जामिनर ने बस थोड़ा सा यहाँ पर एक दिमाग लगाया है, वो ये है दिमाग उनका कि डायमीटर आप 350 mm दे दिया गया तो आपका ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, सर्कुलर हो गया। जब ये आपका सर्कुलर हो गया तो आपको मैं बताया था कि सर्कुलर में आपका मिनिमम रेनफोर्समेंट या नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट 6 होगा, यही पर आपसे रेक्टेंगुलर पूछ लिया जाता देन आपका आंसर 4 होता। तो ओके, अगर देखें पहले नंबर पर रेक्टेंगुलर दिया गया है, ये आपका रेक्टेंगुलर के लिए है, ये आपका सर्कुलर के लिए है, और मिनिमम डाया लॉन्गिट्यूडनल बार की मिनिमम जो डाया है वो 12 mm होगी, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए कंबाइंड फुटिंग इफ सियर स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड, सियर स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर द नॉमिनल स्ट्रेस प्रोवाइडेड। ये पहला क्वेश्चन है, जब आप सियर स्ट्रेस लेस देन है 5 kg से देन आप 8 leg प्रोवाइड करवाएंगे, एंड जब ग्रेटर देन है देन आप 12 leg प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ क्यू इज द पंचिंग सियर रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, इज द साइड ऑफ स्क्वायर फुटिंग ऑफ द कॉलम साइड बी कैरिंग अ वेट इंक्लूडिंग द फुटिंग डेप्थ डी ऑफ द फुटिंग फ्रॉम द पंचिंग सियर कंसिडरेशन इज डी। देखिए इसका सबसे पहले तो आप फिगर ड्रा कर लीजिए, आप फिगर ड्रा करते हैं तो फार्मूला फिर हम देखते हैं इसका। यह आपके इस तरह से एक फुटिंग थी, ये जो फुटिंग थी यहाँ पर नीचे से भी आपका बोला जा रहा है कि सियर स्ट्रेस जो लग रहा है वो क्यू के फॉर्म में लग रहा है। तब यहाँ पर ये मिनिमम डेप्थ कितनी होगी, ये जो मिनिमम डेप्थ है आपकी, ये जो मिनिमम डेप्थ है इसका फार्मूला क्या होगा, जो मिनिमम डेप्थ का फार्मूला होगा वो डब्लू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 4 b² a क्यूब। यहाँ पर ये आप देखिएगा, यहाँ पर ये एग्जामिनर में क्या माना गया है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में a और b शायद अपोजिट मान लिया गया, कैरिंग वेट a कॉलम साइड बी। ओके, यहाँ पर देखिए आपका ये भी सही है, बस ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्वेश्चन छोटे होने की वजह से यहाँ पर ए और बी इंटरचेंज हो गए, इन्होंने जो बोला था बी ए बोला था तो चेंज कर देते हैं इसको, बी ए बोला था एंड ये बोला था, तो जहाँ पर ए था उसको आप बी बना दीजिए, जहाँ पर बी था उसको आप ए बना दीजिए। तो अब आप समझ गए होंगे इसके डेप्थ कितना होगा, ये वाला डेप्थ कितना होगा, ये जो डेप्थ है कितना होगा, तो आप इसको फार्मूले से ऐसे रख के निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये समझ में आया होगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर से इसको देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन समझिएगा क्या है ये। P इज द नेट अपवर्ड प्रेशर, P इज द, क्वेश्चन भी ध्यान से बनाते जाइएगा अभी से ही, फिगर इसका P इज द ये P आपका नेट अपवर्ड प्रेशर है ऑन स्क्वायर फुटिंग। ओके, ऑन स्क्वायर फुटिंग आप स्क्वायर फुटिंग बना दीजिए, ये आपका स्क्वायर फुटिंग हो गया, स्क्वायर फुटिंग ऑफ साइड बी
स्क्वायर कॉलम ऑफ साइड ए, तो यहाँ पर स्क्वायर कॉलम आपको बनाना है, जो स्क्वायर कॉलम ऑफ साइड ए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर कॉलम बनाएंगे, ये आपका स्क्वायर कॉलम हो गया, ये आपका ये वाली डिस्टेंस आपसे बी बोला जा रहा है, एंड यहाँ पर ये आपसे ए बोल रहा है, यहाँ पर आपसे ये ए बोल रहा है, एंड यहाँ पर एक लोड डब्लू लग रहा है, एंड यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसका पूछ रहा है, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट होता है, तो पी स्ट्रेस में है, तो पी बी इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई एट, पी माइनस बी का होल स्क्वायर अपान एट। देखिए मैक्सिमम मोमेंट की बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम मोमेंट जो भी होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट आप मानते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि डब्ल्यू सी की वैल्यू गिवन नहीं है, सी के बारे में कुछ बताया नहीं, तो ये गलत हो गया, प्लस हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि बी में से आप ए माइनस करेंगे यहाँ पर, सॉरी ये स्क्वायर कॉलम ऑफ साइड जो है ना, ये जो स्क्वायर कॉलम ऑफ साइड है ये कॉलम का गिवन है, वो लास्ट वाले क्वेश्चन का था, ये कॉलम का स्क्वायर ए गिवन था, तो आप क्या करेंगे, बी से क्या करेंगे, ए को माइनस कर देंगे, तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये दोनों निकल गए। अब यहाँ पर ये दोनों में देखना है बेंडिंग मोमेंट पी बी ब्रैकेट में बी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई फोर, बेंडिंग मोमेंट पी बी बी माइनस ए स्क्वायर बाई एट, तो आपको पता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट होता है, तो यहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिडक्शन फैक्टर, फिर से ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन में देख लेता हूँ। ओके यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस प्रिंट है, मैं इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं, आपसे ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिडक्शन फैक्टर आर टू इफ एफ राइज टू स्पैन इन इंचेज टू गिवन फाइव इंच। यहाँ पर जो रेशियो रिडक्शन फैक्टर का जो रेशियो गिवन है ना, वो गिवन है फाइव इंच, तो फाइव इंच को क्या करेंगे आप, रिडक्शन फैक्टर सी आर इक्वल टू 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 बी, आपका ये फॉर्मूला है आपका रिडक्शन फैक्टर का। तो यहाँ पर क्या है, आपका 5 इंच दिया गया है, एक इंच में कितने सेंटीमीटर, 2.54 इंटू 5, देखेंगे आप कि 12.7 आ रहा है, और ये जो 12.7 आता है आप नोट कर लीजिएगा, कितने इंच, 5 इंच, सेंटीमीटर हो गया। अब ये वैल्यू एल इफेक्टिव बाई बी की जगह रख दीजिए, 1.25 माइनस 12.7 बाई 48, आपका जो आंसर आएगा वो 98 आएगा, 0.98 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। तो ये आपके से जो रिडक्शन फैक्टर बोल रहा था ना, आप रिडक्शन फैक्टर ऐसे भी बता सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, लेकिन ऑप्शन ना होने के बाद भी क्या मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ऑप्शन मैटर नहीं करेगा, आप तुरंत देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ ऑप्शन कुछ भी गिवन हो आपसे क्या मतलब, आपका ये आंसर आएगा। यहाँ पर ये ज़रूर याद रख लीजिएगा कि वो इसलिए आपसे इंच में आंसर दिया था या क्वेश्चन दिया था इंच में, कि आप गलती करें, इंच में डायरेक्ट वही वैल्यू रखें 5 इंच, ताकि आप, और पहला ऑप्शन आपका 5 इंच से ही मैच करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट ऑफ कॉलम इज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग, द स्पेसिंग है आपकी, तो स्पेसिंग आपको पता है हरदम लेस देन होना चाहिए, ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट कॉलम इज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग कंसिडरेशन, द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, बिल्कुल सही बात है, 16 टाइम्स आप स्मॉलेस्ट डायमीटर, ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर किया जा चुका है,
48 टाइम्स डायमीटर ऑफ द ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट, सारे ऑप्शन यहां पर सही है आपके। ये जो आपका 48 टाइम्स है ना, इसको देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16 टाइम ऑफ फाई स्मॉलर एंड 48 टाइम आपका क्या है डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट, 48 टाई रिइंफोर्समेंट। तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू आएगी, यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आप लेंगे। यहीं पर टाई बार की या बार की बात हो जाती, लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार की बात हो जाती, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आप लेते। तो ये याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर ऑल ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन ए कंबाइंड पुटिंग ऑफ द टू कॉलम कैरिंग अनइक्वल लोड्स द मैक्सिमम हॉगिंग, द मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट अकर लेस लोड कॉलम, एंड दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका मोर लोडेड कॉलम। चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और ये देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड होते हैं ना जो आपके एग्जाम में आते हैं और आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका, अभी मैं वैसे इसको रेक्टेंगुलर ही मान के चल रहा हूँ, लेकिन ये रेक्टेंगुलर नहीं होगा, आपका ट्रेपेजोइडल होगा। P1, P2, अभी क्या शियर फोर्स अगर आप ड्रा करें तो शियर फोर्स आपका इसका कैसे बनेगा, शियर फोर्स ये इसका शियर फोर्स कुछ ऐसे ड्रा होगा। ये इसका ऐसे शियर फोर्स ड्रा होगा, और यहाँ पर ये देखिएगा, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा सही से, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट भी नीचे बनाना होगा तो इधर बना देते हैं। ये लोड P1, ये लोड P2, एंड इसका शियर फोर्स आप ड्रा करेंगे, देन आप ये शियर फोर्स आपका ड्रा होगा, एंड इसका मोमेंट बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट आप बनाएंगे, देन कैसे बनाएंगे आप इसका बेंडिंग मोमेंट, इसका आप ये बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे। आप ये हो सकता है कि इसका बेंडिंग मोमेंट उल्टा भी बना सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कहाँ पर अकर हो रहा है, आप देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आपका अकर हो रहा है वो जहाँ पर शियर फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, जहाँ पर शियर फोर्स आपका जीरो हो रहा है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट है, मोर लोडेड कॉलम, लेस लोडेड कॉलम, पॉइंट ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आइदर, नन ऑफ दीज यहाँ पर आपका सही होगा। ये फिगर आप याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम से आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आर अकर वेयर शियर फोर्स इज जीरो, या शियर फोर्स इज जीरो वेयर बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आर अकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। द डायमीटर ऑफ द डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू 1/4, ओके, ऑफ द डायमीटर ऑफ द मेन स्टील बार बट नॉट लेस देन 6 mm है आपका। यहाँ पर आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि टाई बार जो है वो हरदम ग्रेटर देन होना चाहिए, आर इक्वल टू होना चाहिए 5/4 और 6 mm, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो आप लेंगे यहाँ पर। तो टाई बार के लिए आपका ये आंसर सही हो जाएगा, आपका 6 mm सही होगा। ओके, ये समझ में आया होगा आपको, और इससे ऑब्जेक्टिव भी बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ओके, ठीक है,
ऑन एन एब्सोल्युटली रिजिड फाउंडेशंस बेस द प्रेशर विल बी मोर एट द एजेस ऑफ द फाउंडेशन ऑन एन एब्सोल्युटली राइट फाउंडेशन बेस द प्रेशर विल बी यूनिफॉर्म ऑन एन द एब्सोल्युटली रिजिड फाउंडेशन बेस द प्रेशर विल बी नॉट यूनिफॉर्म एब्सोल्युटली रिजिड फाउंडेशन बेस ऑफ द प्रेशर विल बी जीरो एट द सेंटर। यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ऑन एन एब्सोल्युटली राइट रिजिड फाउंडेशन टर्न डी है यहाँ पर रिजिड फाउंडेशन बेस द प्रेशर विल बी मोर एट एजेस ऑफ द फाउंडेशन, नहीं रिजिड फाउंडेशन बोला है। ऑन एन एब्सोल्युटली रिजिड फाउंडेशन बेसिस प्रेशर विल बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो नहीं है होगा, आप ऐसे कोई कॉलम लगा रहे हैं तो इसका यूनिफॉर्म तो बनेगा ही नहीं कि आपका ये यूनिफॉर्म प्रेशर तो यूनिफॉर्म प्रेशर बनेगा नहीं, तो दूसरा आपका गलत हो गया। तीसरा है ऑन एन एब्सोल्युटली रिजिड फाउंडेशन बेस ऑफ प्रेशर विल नॉट बी यूनिफॉर्म, आपका ये वाला पार्ट ज़्यादा सही है कि उसका जो प्रेशर होगा यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फिगर बनेगा ना वो कुछ देखिएगा, या तो वो इस शेप का बनेगा या तो वो कुछ इस शेप का बनेगा, रिजिड फुटिंग की बात करें कुछ ये दोनों शेप का बनेगा, तो यहाँ पर ये दोनों नहीं है, रिजिड यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, तो आपका सी पार्ट सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 द थिकनेस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग ऑन पाइल्स एट द एजेस इज केप्ट लेस देन, क्या थिकनेस ऑफ द रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग, यहाँ पर जो कंक्रीट फुटिंग की बात किया जाए, कंक्रीट फुटिंग ये जो एजेस हैं ये आपका 300 mm से ज़्यादा होना चाहिए, किससे कम हो मतलब 300 mm से आपका जो एजेस हैं ये वाले एजेस हैं आपके ना, ये जो एजेस हैं ये 300 mm से हरदम कम रहने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ़ द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ द स्क्वायर कॉलम इज 16 mm द डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज शुड नॉट बी लेस देन। ओके, देखिए इसके पहले जो अभी मैं आपको करवाया था लेटरल टाई फाई के बारे में, जो शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए, आर इक्वल टू ग्रेटर देन होना चाहिए, हम मैक्सिमम वैल्यू आप लेंगे 5/4 6 mm, फाई कितना है 16/4, 4 and 6 में क्या मैक्सिमम है 6, देखिए पहला ऑप्शन ही आपका 4 गिवेन है, पहला ऑप्शन 4 गिवेन है, और ध्यान से देखिए कि आपका एग्जामिनर आपके दिमाग से कैसे खेल रहा है, कि उन्होंने उनको पता था कि लड़के को अगर याद होगा तो वो सबसे पहले यहाँ पर 4 का डिवाइड करेगा और 4 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लड़के कंफ्यूज होंगे कि यहाँ मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है, इस बात से वो कंफ्यूज रहेंगे, तो आपको ये बात याद रखना है यहाँ पर हरदम क्या रहता है मैक्सिमम रहता है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, आप खुद देख लीजिए आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हैं जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो आपका ज़्यादा मन करता है कि किससे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा खा ले, और जो अच्छी चीज़ें नहीं होती क्या लगता है कि कितनी कम से कम आए आपके पास, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जब बहुत ज़्यादा होगी तो स्टैंड डिक्रीज हो जाएगा, तो जितना कम से कम स्पेसिंग हो उतना अच्छा है। बट रेनफोर्समेंट के बारे में बात करूँ, रेनफोर्समेंट आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना अच्छा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टॉप बार आर एक्सटेंडेड टू द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द कम्बाइंड फुटिंग अप टू कॉलम एल डिस्टेंस अपार्ट फॉर द डिस्टेंस ऑफ। ओके, इसका भी थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं एंड इसके फिगर के बारे में बात कर लेते हैं, बोल क्या रहा है आपका, ये आपका कुछ चलिए इसको सेंटर पे कर देते हैं, कंबाइंड फुटिंग बोला है, कंबाइंड फुटिंग। ओके, ये आपकी कंबाइंड फुटिंग हो गई, यहाँ से यहाँ तक आपकी ये वाली लेंथ L हो गई, एंड यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगी, यहाँ पूछा गया टॉप बार आर एक्सटेंडेड टू द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द कंबाइंड फुटिंग टू कॉलम L डिस्टेंस ए पार्ट द डिस्टेंस ऑफ द 0.1L फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द कॉलम, नहीं 0.1L नहीं होना चाहिए, 0.1L सेंटर, हाँ ये वाला हो सकता है कि यहाँ से
0.1L आप ले सकें, सेंटर एज ऑफ द कॉलम, जो आपका जो रेनफोर्समेंट बार है वो प्रोजेक्टिंग पार्ट है, यहाँ से आप रेनफोर्समेंट यहाँ से ले जाएंगे तो यहाँ उसको प्रोजेक्टिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्टिंग या लिफ्टिंग उसको कर सकते हैं। हाफ डिस्टेंस आपका प्रोजेक्शन नहीं, आपका जो पॉइंट वन है कहाँ से, ये सेंटर लाइन से, आपका जो सेंटर लाइन है ना उससे आप पॉइंट वन एल आप क्या करेंगे, उससे दूर ही लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पी के जी पर मीटर स्क्वायर इज द अपवर्ड प्रेशर। ओके, पी के जी ऑफ द अपवर्ड प्रेशर ऑन द स्लैब ऑफ प्लेन कॉन्क्रीट फुटिंग हुज प्रोजेक्शन ऑन आइदर साइड ऑफ द वॉल ए सेंटीमीटर एंड द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डी। ओके, कॉन्क्रीट फुटिंग है यहाँ पर आपका, जो कंक्रीट फुटिंग है आपका वो ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये डिस्टेंस यहाँ से प्रोजेक्शन बोल रहा है ए है, नीचे बी गिवेन है और इसको आप बी मान लीजिए, पी गिवेन है नीचे बी मान लीजिए इसको, इसमें ये जो डेप्थ होना चाहिए ना, ये डेप्थ कितना होना चाहिए, ये जो डेप्थ होगा 0.00775 ए रूट पी। आपको यह फार्मूला प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू है आपका। सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग इज नॉट कंसीडर फॉर द कैलकुलेटिंग द अपवर्ड प्रेशर, फुटिंग बिल्कुल करते हैं सेल्फ वेट को, द सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग इज ऑल्सो कंसीडर करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द अपवर्ड प्रेशर ऑन फुटिंग, द सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग इज नॉट कंसीडर, जो सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग का सेल्फ वेट है इज नॉट कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द फुटिंग, नहीं होता है। यहाँ पर आपका बी पार्ट सही है, द सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, फुटिंग का जो सेल्फ वेट है ना इज ऑल्सो कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग द अपवर्ड प्रेशर ऑफ ऑन यूनिफॉर्म, तो आपका यहाँ पर बी पार्ट सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको पहले थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, इफ़ द लेंथ ऑफ कंबाइंड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग से आज सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिलेटेड करवा रहा हूँ आपको मैं, इन ए कंबाइंड फुटिंग, सॉरी, इफ द लेंथ ऑफ कंबाइंड फुटिंग फॉर टू कॉलम एल मीटर से पार्ट इज एल एंड द प्रोजेक्शन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सटीरियर कॉलम इज एक्स बार, ओके, देन द प्रोजेक्शन वाई ऑन द राइट साइड ऑफ द एक्सटीरियर कॉलम इन ऑर्डर टू हैव द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज डब्ल्यू एक्स बार। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन तो इतना बड़ा लिखा हुआ है, अभी आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन में तो केवल जो फिगर ड्रा कर लिया, इस क्वेश्चन में जो केवल फिगर ड्रा कर लिया ना उससे वाला क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा वो कुछ ये था, बोला क्या जा रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द कंबाइंड फुटिंग, ओके, इसकी लेंथ कितनी है कंबाइंड फुटिंग की, ये थी, एंड स्मॉल एल मीटर ए पार्ट एंड द प्रोजेक्शन ऑन द लेफ्ट साइड एक्सटीरियर कॉलम इज एक्स बार, किधर, लेफ्ट साइड, पहले तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, ये आपका टोटल पार्ट कितना बचा, ये आपका एल बाई टू बचा, और ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये आपका जो प्रोजेक्शन पार्ट बोल रहा है ये वाला, वो ये बोला जा रहा है कि ये वाली डिस्टेंस जो है ना, ये वाली लेंथ आपकी स्मॉल एल है, तो आप ये बताइए कि ये कितना बचेगा, ये लेटर सपोज x है ये वाला, देन आपका ये कितना होगा l बाई टू माइनस एक्स बार आपका बचेगा, एंड अब आपसे पूछ रहा है ये y बार की डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे y बार निकालने के लिए या y निकालने के लिए, आपका कैपिटल l बाई टू से अब क्या करिए, ये वाला माइनस कर दीजिए आप, l बाई टू माइनस एक्स बार या x, आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है, प्लस नहीं होगा L by 2, L my, ये आपका, ये आपका जब x है, ये आपका x है, तो ये आपका कितना बचेगा, L माइनस एक्स बचेगा, L by 2 नहीं होगा, ये आपका जब ये आपका x यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो आपका ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, L माइनस
x बार या x बचेगी आपकी, तो आपको y बार निकालना है। तो क्या करेंगे, y बार के लिए टोटल डिस्टेंस माइनस ये वाली डिस्टेंस l माइनस x, तो आपका यहाँ पर कौन सा सही है, कैपिटल L बाई टू एल माइनस x, आपका फोर्थ पार्ट सही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपका फोर्थ पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। बॉटम बार अंडर द कॉलम आर, बॉटम बार्स अंडर द कॉलम्स आर एक्सटेंडेड इन टू इंटीरियर ऑफ द फुटिंग स्लैब डिस्टेंस ग्रेटर दैन, बॉटम बार्स अंडर द कॉलम आर एक्सटेंडेड इन टू इंटीरियर ऑफ द फुटिंग स्लैब डिस्टेंस ग्रेटर दैन 42 टाइम्स फ्राम द आउटर एज ऑफ द कॉलम। तो ऐसे ही आपको आइए अकॉर्डिंग टू द आई एस कोड आपको याद रखना पड़ेगा कुछ चीज़ें आपको। द वेट ऑफ फाउंडेशन एज्यूम टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग, वेट ऑफ द फाउंडेशन का जो वेट होता है ना वो 10% एक्स्ट्रा लिया जाता है। ये क्वेश्चन 3 to 4 टाइम रिपीट हो चुका है, मैं आपको 2 से 3 बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इफ़ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, क्या बोल रहा, इफ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन फॉर 2 equal कॉलम इज रिस्ट्रिक्टेड, द शेप ऑफ द फुटिंग जनरली अडॉप्टेड इज, इफ द विड्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर टू इक्वल कॉलम इज रिस्ट्रिक्टेड द शेप ऑफ द फुटिंग इज जनरली अडॉप्टेड इज। कैसे अडॉप्ट करेंगे, देखिए टू अनइक्वल है, यहाँ पर आपका ट्रेपेजॉइडल आएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन पहले या दूसरे में, कि यहाँ पर जो शेप बनेगा कुछ इस तरह से ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में बनेगा, ये कुछ इस तरह से ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में बनेगा, ये ऐसे ट्रेपेजॉइडल होगा, उसके ऊपर 2 unequal लोड लगे होंगे। अब यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चेंज कर सकता है कि अगर इक्वल लोड लगे यहाँ पर, इफ यहाँ पर इक्वल लोड लगते हैं, यहाँ पर आपके इक्वल लोड लगते हैं तब क्या होगा, यहाँ पर इक्वल लोड लगते हैं तब आप कैसा प्रोवाइड करवाएंगे, तब आप रेक्टेंगुलर प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नाइन्टी मीटर हाई रेनफोर्समेंट कॉलम बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड founded on a weak fine grained soil, the type of foundation used for this construction would be, under rimmed pile, isolated footing, rocked foundation with piles, floating foundation। तो यहाँ पर देखिए आपसे दो बातें बोल रहा है, आपसे ये क्वेश्चन दो बातें बोल रहा है। पहली बात ये कि आपकी जो सॉइल है ना उसके पास बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम है या बियरिंग रेजिस्टेंस बहुत कम है, और आपको 90 मीटर हाई रेनफोर्समेंट कॉलम आपको डालना भी है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए आपका अंडर रिम्ड पाइल वीक फाइन ग्रेन सॉइल है, तब आप किस तरह का कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर आप क्या करिए, राफ्ट फाउंडेशन विथ पाइल्स आप बना सकते हैं यहाँ पर, आइसोलेटेड फुटिंग रॉक फाउंडेशन। देखिए पहले तो 90 मीटर हाई है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर पाइल्स तो होंगी होंगी, तो यहाँ पर आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, नीचे पाइल्स आप ये डीप पाइल्स बना दीजिए, उसके बाद राफ्ट फाउंडेशन, अब अकेले राफ्ट फाउंडेशन केवल आप समझ लीजिए कि राफ्ट फाउंडेशन होता क्या है। देखिए आपका जो राफ्ट फाउंडेशन है ना वो आपका, या इसको मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं, आप एक सबसे पहले नीचे एक मैट जैसे बिछा देंगे, मैट मतलब आरसीसी के एक लिंटल जैसे डाल देंगे, फिर इसके ऊपर आप क्या करेंगे अपने सारे जो भी कॉलम होंगे वो यूज करेंगे, इसलिए इसको ये होगा क्या, एक्चुअली ये प्रोवाइड क्यों, देखिए यहाँ पर 3 कॉलम थे तो आप ऐसे भी इनको प्रोवाइड अलग अलग से भी करवा सकते थे, एक ये आप इसको ऐसे भी प्रोवाइड करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप इसको इस तरह से प्रोवाइड कराते, आइसोलेटेड फुटिंग इनको बोलते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग जैसे अगर आप प्रोवाइड करवाते हैं तो प्रॉब्लम ये आती, सेटलमेंट होने के चांसेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पर, और जब सबको एक कंबाइंड कर देंगे तो इनका एरिया क्या कर जाएगा, इनका एरिया इंक्रीज कर जाएगा,
क्यों? क्योंकि जब आप खुद देख लीजिए कि जब कोई भी आपको किसी चीज़ को काटना हुआ, जितना शार्प होगा उतनी जल्दी कट जाएगा, और जितना मोटा हुआ, जैसे स्पिन से अगर आपको खीरे को काटना हुआ तो आप नहीं काट पाएंगे, चाहे इसके पास जितना भी फोर्स क्यों ना हो। सेम कॉन्सेप्ट वो है कि जितना बड़ा आपका एरिया होगा, जैसे प्लेट है, सेटलमेंट के बारे में देखें, आपका आपने देखा होगा जब आपका पहिया होता है किसी गाड़ी का, तो उन्होंने उन ऐसे अगर रोड पे रखेंगे तो क्या होगा, सेटलमेंट हो जाएगा। बट वो करते क्या, जब जैक लगाते हैं ना तो नीचे पर एक पटरे जैसे चीज़ लगाते हैं थोड़े से चौड़े में, क्योंकि उसका एरिया बढ़ जाता है। उस एरिया के बढ़ने के कारण होता ही है कि वो सेटलमेंट नहीं हो पाता। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे, आप उस पर एक मैट जैसे बना देंगे और इसके नीचे आप क्या करेंगे, आप पाइल्स लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द पर्पज़ ऑफ द डिज़ाइन, फॉर द पर्पज़ ऑफ द डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट फुटिंग, फॉर द पर्पज़ ऑफ डिज़ाइन, क्या पर्पज़ है आपकी डिज़ाइन का रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट फुटिंग के लिए। अब फ्लेक्सिबल बेस एंड लीनियर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज रिज्यूम, रिजिड बेस आपका होगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज रिज्यूम, फ्लेक्सिबल बेस आपका एंड पैराबोलिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज रिज्यूम, रिजिड बेस विद पैराबोलिक। आपका यहाँ पर पर्पज ऑफ द डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट फुटिंग के लिए क्या है, लीनियर प्रेशर तो नहीं होता है, यहाँ पर लीनियर प्रेशर नहीं होता, लीनियर प्रेशर नहीं होता। आपका फ्लेक्सिबल बेस एंड पैराबोलिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो जो बन, या तो ये शेप का बनेगा तो पैराबोलिक शेप का हुआ, या तो ये शेप का बनेगा तो ये भी पैराबोलिक शेप का हुआ, लीनियर आपका नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर फुटिंग, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर फुटिंग सपोर्टिंग ए कंक्रीट कॉलम इज, सपोर्टिंग ए कंक्रीट कॉलम इज, क्रिटिकल सेक्शन आपको फाइंड करना। ओके, क्वेश्चन को ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा, यहाँ पर देखिए जब आपका बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना होगा तो फेस ऑफ द होगा, एट द फेस ऑफ द कॉलम। यही पर अगर वन वे की बात कर लेता तो, वन वे की बात करता तो दूसरे पेन से दिखा रहा हूँ, वन वे की बात करता तो यहाँ से डी बाई डी सेक्शन पे होता, एंड वन वे के बाद आपसे ये बात करता कि टू वे की बात करता तो टू वे की जगह आपसे यहाँ पर डी बाई टू की बात करता, जो पंचिंग शियर बात करता तो डी बाई टू की बात करता। तो तीनों याद रखिएगा, तीनों ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू आई एस 456 2000 मिनिमम सिलेंडर रेशियो फॉर द शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम के लिए क्या होगा, लेस देन 12 होगा। इनको और एक थोड़ा सा ये वाला, इनको थोड़ा सा और दिमाग लगाना चाहिए कि यहाँ पर लेस देन 12 एंड मोर देन 12 दोनों पास पास रखने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा स्टूडेंट कन्फ्यूज होगा, और इससे देखिए समझना कैसे, अगर आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो जाए, L इजक्ल टू लैमडा इजक्ल टू L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम होता है। ओके, R मिनिमम होता है, देन आप क्या करेंगे, ये फार्मूला आप याद रखिए, एंड यहाँ पर शॉर्ट कॉलम के लिए ये लेस देन 12 होता है, शॉर्ट कॉलम के लिए लेस देन 12 होता, तो आप ये बताइए ये जो लेंथ है ना, ये 12 से क्या होगी, 12 मीटर से कम होगी। एंड अभी ये चीज़ हटा दे रहा हूँ मैं दोनों पार्ट को, अभी लेंथ के लेंथ आपका किससे कम होगा, तो अब आप इसको शॉर्ट बोलेंगे, शॉर्ट कॉलम बोलेंगे, एंड ये इस ग्रेटर देन 12 हो गया तो अब इसको क्या बोलेंगे, अगर 12 मीटर से लेंथ आपके कॉलम की लंबी है तो उसको आप लॉन्ग कॉलम बोल देंगे। तो दोनों बात आप समझ जाइएगा। ओके, मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन ए आर सी सी कॉलम एज पर आई एस कोडल प्रोविजन सेल बी, एज पर आई एस कोडल प्रोविजन सेल बी कितना होना चाहिए। मिनिमम डायमीटर की बात कर रहा तो 12 एम एम होना चाहिए, कई बार हम लोग ये बात को डिस्कस कर चुके हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द रिजिड ब्लॉक फाउंडेशन आर सिक्स, अ फाउंडेशन इज कंसिडर एज सैलो इफ इट्स डेप्थ एक्सीड द विड्थ, फाउंडेशन इज कंसीडर एज सैलो इफ डेप्थ आपका जो है ना, डेप्थ जो है एक्सीड द विड्थ, बी
डी इज ग्रेटर देन बी, कुछ इस तरह से बोला जा रहा है। जो डेप्थ है ना वो ग्रेटर देन है किससे, बी से ग्रेटर देन है। द फाउंडेशन इज कंसिडर्ड एज सैलो, ये तो गलत बात बोल रहा है, ये तो वो आपका क्या सैलो नहीं है तो लॉन्ग की बात कर रहा, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो आपका, यही बचा। अब इसको भी समझ लेते हैं आपका, यही ये भी समझ लेते हैं क्या चल रहा है। ओके थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, बस डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे पूछ रहा है, तो आप एक ये आपका अलग अलग एक्सेस अलग अलग कलर से दिखाते हैं, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, ये आपका वाई एक्सेस हो गया, एंड ये आपका जेड एक्सेस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको आप एक्स मान रहे हैं एक्स एक्सेस, इसको वाई एक्सेस मान रहे हैं, इसको आप जेड एक्सेस मान रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक मोमेंट लगेगा एम एक्स के लिए, एंड यहाँ पर एफ एक्स दोनों डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पर एक मोमेंट लगेगा एम वाई डायरेक्शन में, एंड यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा, एंड जेड सेक्शन में एक मोमेंट लगेगा, एंड यहाँ पर भी एक फोर्स काम करेगा। तो आप ये देख सकते हैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 यहाँ पर होगी, एक मोमेंट एंड ये आप एफ एक्स, इसको आप एफ जेड मानिए ये वाले को, इसको आप एफ एक्स मानिए, इसको आप एफ वाई मानिए। तो देखिए यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द 6। आपको ये एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं, अगर बना लेंगे तो दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप तुरंत रफली आप तुरंत, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है आपके पास, तो सीधे से 2 × 6 आपका होगा, 2 × 3 = 6, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। स्पेसिंग बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल बार मेजर अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द आरसीसी कॉलम शुड नॉट एक्सीड, किसी के लिए भी हो आपका 300 mm से ज़्यादा नहीं हो सकता, केवल आपका लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट में है 5D या तो 450 है, बट इसको भी अब शायद चेंज किया गया है कि इसको भी 300 mm कर दिया गया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द रिजिड, आपका लास्ट क्वेश्चन ही आपका यही करवाया था। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, एंड ये वाला दोनों क्वेश्चन आप देखिए कि यहाँ से कितना कन्फ्यूज़न वाला है, कि बाकी ये भी क्वेश्चन आपसे हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। जब आपका कुछ ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट को हिला के रख देता है, क्यों, क्योंकि वो सारी चीज़ आपसे पूछ लेता है। जैसे वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इज ए कॉलम इज 0.8%। ओके सही बात बोल रहा है, एकदम मिनिमम के लिए सही है। स्पेसिंग ऑफ द मेन बार मेजर अलोंग पेरीफेरी ऑफ द कॉलम 30 cm लिखा ना, वेरी गुड। ये 300 mm भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता था कि लड़का अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज हुआ तो आंसर तुरंत टिक मारेगा इसको, ये भी सही बात लिखा है आपका। रेनफोर्सिंग बार ऑफ द कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 12 mm इन डाया, रेनफोर्सिंग बार रेनफोर्समेंट बार इन द कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 12, ये भी सही बात है आपका। इन ए सर्कुलर कॉलम मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार शुड नॉट बी लेस देन 4, वेरी गुड। ये देखिए क्या इन्होंने लिखा है, शुड नॉट बी लेस देन, कहने का मतलब लेस देन आपका जो नंबर ऑफ द रेनफोर्समेंट में शुड नॉट लेस देन 4, 4 से कम नहीं हो सकता, मीन्स 4 से ज़्यादा हो सकता, 4 से ज़्यादा हो सकता तो 5 भी आप ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, आपकी जो श्रद्धा वो ले सकते हैं, बट यहाँ पर ये है कि आपसे बोला जा रहा है 4 से कम नहीं हो सकता, जबकि IS कोड ये आपसे बोलता है कि सर्कुलर कॉलम में आपकी जो रेनफोर्समेंट है ना वो मिनिमम नंबर ऑफ 6 होनी चाहिए, किसके लिए, सर्कुलर के लिए, और 4 किसके लिए होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द कॉलम एज पर लेटरल अनसपोर्टेड बीम, तो कई बार ये हो चुका है। देखिए यहाँ पर बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपसे वो एग्जामिनर ये गलती करवाता ही करवाता है, L/500 + D/30। आप इसको ऐसे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिख सकते हैं, ये तीनों डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रहेंगे, ये तीनों डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रहेंगे, और यहाँ पर मैक्सिमम पूछा जाएगा, तो जो भी आंसर आप आए टिक कर सकते हैं। देन
यहाँ तक आज के लिए इतने ही क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।